हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। इसकी हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी थी। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा फैट एंड ऑयल्स के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फैट एंड ऑयल्स की इंट्रोडक्शन एंड जो रिएक्शंस इसके अंदर बेसिकली यूज होती हैं उनके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो एंड तक बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि फैट एंड ऑयल होते क्या है। तो फैट एंड ऑयल बेसिकली प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज से इनको ऑब्टेन किया जाता है। ये रेजिन्स की फॉर्म में, एस्टर्स की फॉर्म में, बेसिकली ग्लिसराइल एस्टर की फॉर्म में ये हमें देखने को मिलते हैं। ऑयल एंड फैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये तो लाइन आप इजीली लिख सकते हैं, नॉन एज लिपिड। और अलग फॉर्म में हम इनको बोलें तो हम बोलते हैं इनको लिपिड्स। जो लिपिड्स होते हैं वही होते हैं हमारे फैट एंड ऑयल्स। आगे क्या है, ऑयल एंड फैट आर नेचुरली ऑकरिंग एस्टर्स। क्योंकि जो ऑयल और फैट होते हैं बेसिकली नेचुरली ही ऑब्टेन होते हैं, इनको अपन फॉर्म नहीं करते हैं, तो इनको नेचुरली ऑकरिंग एस्टर्स भी हम बोल सकते हैं, ग्लिसराइल एस्टर बोल सकते हैं। फैट आर फाउंड इन एनिमल। जो फैट होता है ओनली एनिमल्स में फाउंड होता है, जबकि जो ऑयल है वो एनिमल एंड प्लांट बोथ में आपको देखने को मिलेगा। फैट एंड ऑयल आर मेनली द ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ वेरियस फैटी एसिड। जो डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड्स होते हैं उनके ग्लिसराइल एस्टर हैं फैट और ऑयल। इन एसिड से इजीली हम फैट एंड ऑयल को फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। इनको हम ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। थ्री मोलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स। अब ये जो एसिड्स हैं इनमें से कोई सा भी एसिड उसके थ्री मोलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? फैट। तो इसमें रिएक्शन देखिए, विथ ग्लिसरॉल वन और मोल ऑफ ग्लिसरॉल टू फॉर्म फैट। फैट कैसे बनेगा? ये एक मोल है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, CH3OH, CHOH, CH2OH। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया और ये हमारा हो गया ब्यूटाइलिक एसिड। थ्री मोल ऑफ ब्यूटाइलिक एसिड रिएक्ट करेंगे ग्लिसरॉल के साथ तो क्या बनाएंगे? ट्राई ब्यूटायरिन। ये हमारा बन जाएगा फैट। तो ये रिएक्शन इसके बीच हो गई। अब बात कर लेते हैं रिएक्शंस ऑफ फैट एंड ऑयल। कौन कौन सी रिएक्शन हमारे सिलेबस में दे रखी है? तो पहली जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस नाम से आपने सुना होगा या देखा होगा, पहले भी स्टडी किया होगा। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? तो इसमें एक ऐसा कंपाउंड आएगा जो भी फैट है ऑयल है उसको हाइड्रोलाइज कर देगा रिएक्ट करके। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कोज हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड इट रिजल्ट इन क्लीवेज ऑफ एस्टर लिंकेज। जो भी बॉन्ड है फैट के अंदर, एस्टर लिंकेज जो भी बॉन्ड है वो क्लीवेज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? गिव ग्लिसरॉल। वापस जो फैट है हमारा ब्रेक हो जाएगा तो ग्लिसरॉल हमारे हमें मिलेगा। और अगर सोडियम से रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें लास्ट में मिलेगा सोप। तो इसमें क्या होगा? एंड सोडियम साल्ट बिलोंग टू चेन फैटी एसिड नोन एज सोप। सोप यहाँ पे निकलेगा। तो ये हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में ही होगा ओनली। तो ये हमारा कोई फैट है जो थ्री मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ग्लिसरॉल हमारा यहाँ से वापस रिफॉर्म हो गया और ये बन गया हमारा सोप। तो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ओनली होता है। सेकंड है हाइड्रोजिनेसिस। हाइड्रोजिनेसिस में क्या होगा? ये बेसिकली ऑयल के लिए परफॉर्म की जाती है। इसमें क्या होगा कि जो ऑयल है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होता है बेसिकली, लेकिन वो
रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस के थ्रू वो बन जाएगा सॉलिड फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है हाइड्रोजिनेसिस। ऑयल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है एज ए अनसेचुरेटेड पोर्शन व्हेन हाइड्रोजन इज पास थ्रू ऑयल अंडर प्रेशर एंड बाय यूजिंग कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। ये रिएक्शन हो रही है इसकी। ऑयल गेट कन्वर्टेड इंटू सॉलिड फैट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये रिएक्शन होगी तो सॉलिड फैट में। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज हार्डनिंग ऑफ ऑयल। हार्डनिंग ऑफ ऑयल मतलब ऑयल हार्ड हो जाएगा और फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ट्रायोलिन ऑयल, ये ऑयल फॉर्म में है ट्रायोलिन, जो 6 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा ट्राइस्टेरिन जो है फैट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इनमें मैं कुछ नहीं समझा सकता क्योंकि ये रिएक्शन है। रिएक्शन में आपको इतना बता सकता हूँ कि किस किस के बीच रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा ये। अब आगे देख लेते हैं सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन क्या होता है, जो हाइड्रोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट एंड ऑयल इज कैरीड आउट बाय यूजिंग एल्केलाई। अब इसमें यूज करते हैं हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कास्टिव सोडा या फिर कास्टिव पोटास के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट हमें मिलता है एक तो सोप मिलता है और जो हमारा ग्लिसरॉल है वो रिमूव हो जाता है। तो वही है इसके अंदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। ये हमारा एक फैट है NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम पल्मिटेट मतलब सोडियम सोप, और ये हमारा ग्लिसरॉल यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये है सपोनिफिकेशन। बाकी बात करते हैं आगे रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। तो रेंसिडिटी ऑफ ऑयल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, डेफिनेशन ही पूछी जाएगी इसकी रेंसिडिटी ऑफ ऑयल की आपको 2 मार्क्स में। तो क्या होता है कि किसी ऑयल को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं तो वो एयर को कॉन्टैक्ट में आके, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन या रेंसिडिटी। तो यही है इसके अंदर, ऑन लॉन्ग स्टोरेज एंड इन कॉन्टैक्ट विथ एयर मॉइस्चर एंड सनलाइट ऑयल एंड फैट अंडरगो डिकम्पोजिशन एंड स्टार्ट स्मेलिंग अनप्लीजेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिफिकेशन। क्या क्या कारण हो सकते हैं, फर्स्ट हो सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड एसिड, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैट, ये इसके कारण हो सकते हैं रेंसिडिटी के। लास्ट है हमारा ड्राइंग ऑफ ऑयल। इसमें क्या होता है, सम ग्लिसराइड ऑफ अनसेचुरेटेड एसिड हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गेट पोलीमराइज। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पोलीमराइज हो जाते हैं, तो जिससे क्या होगा कि हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट कोटिंग फॉर्म होगी विच यूज इन मेकिंग पेंट्स एंड ऑयल्स क्लोथ। ऑयल क्लोथ और पेंट्स को बनाने में इनका यूज किया जाता है, लेकिन ये हमारा एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, इसको बोल सकते हैं हम ड्राइंग एंड ड्राइंग ऑयल ड्राइंग, या फिर मतलब हमारा जो ऑयल है वो ड्राइंग हो जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्राइंग ऑयल्स। एग्जाम्पल है ड्राइंग ऑयल के, लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, पेरिला ऑयल आर ड्राइंग ऑयल्स। ये कुछ ड्राइंग ऑयल हैं, एग्जाम्पल याद रखना आप, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, रिएक्शंस आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।